दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसीज के बारे में जो कि पंजाब में आई हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी है इसमें वैकेंसी है और साथ में आप इस फॉर्म का फॉर्म कब तक भर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिवम कंप्यूटर्स। और जॉब से रिलेटेड मेरी आगे की वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बताते हैं आपको इसकी पूरी जानकारी क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये पंजाब की वैकेंसी है। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने इस वैकेंसी को निकाला है और साथ में इसमें वैकेंसीज आई हैं 856। लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 20 मई 2021। फॉर्म की फीस जो लग रही है वो है जनरल कैटेगरीज के लिए 1400 रुपये, जनरल और ओबीसी के लिए, और साथ में अगर आप एससी एसटी में हैं तो 700 रुपये में आपको फॉर्म भर जाएगा। एज लिमिट जो इसमें मांगी गई है वो है 1/1/2021 को आपकी उम्र 18 से 37 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे जैसे कि दूसरी वैकेंसीज में होता है। हाँ, इसकी एक बात और है, आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप एससी एसटी या ओबीसी में हैं तो। पोस्ट की बात करते हैं कितनी क्या वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें है 40 वैकेंसी, इसमें डिग्री मांग रहे हैं आपसे। मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें है 60 वैकेंसी, इसमें भी डिग्री मांग रहे हैं आपसे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ 7 वैकेंसी है, इसमें बी ई बी टेक बी एस सी इंजीनियरिंग मांग रहे हैं आपसे। क्लर्क कम डीईओ में है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 739, इसमें डिप्लोमा मांग रहे हैं कंप्यूटर से और साथ में कोई भी डिग्री हो आपके पास तो भी चल जाएगा। स्टेनो टाइपिस्ट से जो वैकेंसी है वो है 10 वैकेंसी, इसमें भी डिप्लोमा कंप्यूटर से मांग रहे हैं और साथ में कोई भी डिग्री हो, पीजी टाइपिंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट फ्री जॉब अलर्ट की वेबसाइट पर आकर इसको देख सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे इसका नोटिफिकेशन डला नहीं है, अब डल गया तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब मैंने इसका वेबसाइट चेक करी थी तो सरकारी रिजल्ट पे मुझे नहीं मिला था, फ्री जॉब अलर्ट में मुझे मिल गया था। दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिनकी अपडेट आपको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, कई सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो फ्री जॉब अलर्ट पर मिल जाएगी आपको, लेकिन हमारी वीडियो में आपको कंबाइन मिल जाएगी दोनों वेबसाइट्स की अपडेट। तो ये करते हैं इसका फटाफट रजिस्ट्रेशन और बताते हैं आपकी कैसे क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसका करते हैं अपन न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक, जिसकी लिंक आपको अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। दोस्तों यहां पर डालनी है आपको अपनी ईमेल आईडी जो कि आपकी वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि इस पर ओटीपी जाने वाली है, और साथ में यहां पर आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा दो बार, एक बार आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, दूसरी बार कन्फर्म पासवर्ड करना पड़ेगा, ये वाला कैप्चा यहां पर डालना पड़ेगा। तो फटाफट करते हैं इतना। दोस्तों ये आ गई है ओटीपी मेरी ईमेल आईडी पर, इस ओटीपी को मुझे वहां डालना है 17/31/09 और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दें। मेरी ईमेल आईडी बन चुकी है सक्सेसफुली, अब इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं जो कि मैंने बनाया था। इसमें कुछ ज़रूरी जानकारी दे रखी है इसके डैशबोर्ड के स्टार्टिंग में ही, उसमें से मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो आपको भारत का होना कंपलसरी है और साथ में आपने जो 10th पास की है उसमें पंजाबी भाषा का होना ज़रूरी है, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे ऊपर फिल बेसिक डिटेल पर क्लिक करना है अपन को, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। देखो दोस्तों अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से पढ़ाई की है तो इन्होंने आपको एक छूट भी दे दी है कि अगर आपके पास पंजाबी भाषा नहीं है 10th में तो ज़रूरी नहीं है आप 2 साल, जब इस एग्ज़ाम में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, मतलब जब इस वैकेंसीज में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तो 2 साल के अंदर आपको ये पंजाबी भाषा से 10th पास करनी है, मतलब इसका पेपर आपका अलग से हो जाएगा, उस पेपर को आपको देके पास कर लेना है 10th। तो ये पूछ रहा है आपके पास अभी है कि नहीं है, तो मेरे पास नहीं है, मैं नो कर देता हूँ। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, दूसरा मोबाइल नंबर डालना है जो कि ऑप्शनल है, डालना है या ना डालना है वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको अपनी, मेल फीमेल जो कुछ हैं, आप शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इंडियन है, मूल निवासी कहाँ का है, आपको अपना एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, स्टेट चुनना है, पिन कोड डालना है। अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो इसको आपको दोबारा से फिर से भरना पड़ेगा दूसरा, और सबमिट पर क्लिक कर दें। चलो भर लेते हैं फटाफट। दोस्तों इधर मूल निवासी में एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप पंजाब के हैं तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है, और अगर आप अदर देन पंजाब के हैं, मतलब आपके पास एमपी या यूपी का कहीं का भी मूल निवासी है, तो आप अदर देन पंजाब वाले ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको पंजाब की आएंगी सिर्फ, तो आपको एनी अदर डिस्ट्रिक्ट चुन के स्टेट मध्य प्रदेश करके पिन कोड डाल देना है अपना। फिर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग भर देने, अगर एक ही है तो परमानेंट एड्रेस पर सेम एस टिक लगा दें। ये मेरी कुछ डिटेल आ गई है जो कि मैंने अभी भरी है, अगर ये मेरी डिटेल करेक्ट है तो मैं लॉक एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ, अगर मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ एडिट नहीं करना है, जो है सब सही है। तो दोस्तों बेसिक डिटेल तो अपनी फिल हो चुकी है, अब अपन करते हैं अपलोड फोटो एंड साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक,
और करते हैं फटाफट फोटो और साइन अपलोड। अब यहाँ पर मुझे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर मुझे अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। कुछ डिटेल्स हैं जो इधर पे दे रखी हैं। डायमेंशन इसका 300x300 पिक्सल्स का होना चाहिए और इसका डायमेंशन 300 पिक्सल्स में और 90 हाइट पिक्सल्स में होनी चाहिए। साइज इधर पे 50 KB और इधर पे भी 50 KB। तो फटाफट करते हैं इनको भी अपलोड। देखिए दोस्तों, फोटो को 300x300 के करने के लिए उनको इस पर राइट क्लिक करना है। छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। ओपन इस पेंट कर देना है अपन को, क्योंकि पेंट जो है सॉफ्टवेयर वो सभी के कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल होता है। ये खुल के आ गया है। अब इधर पे आपको रिसाइज का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके पिक्सल्स पर क्लिक करके इस पर टिक हटा देना है और इधर पे 300x300 करके ओके कर देना है। ये फ़ोटो हो गई 300x300 पिक्सल्स की। इसको सेव एज़ कर लें, अगर आपको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं, मैं सेव एज़ कर लेता हूँ। अब ऐसे ही मुझे अपने साइन करने हैं, 300x90 हाइट जिसकी 90 होनी चाहिए और लंबाई उसकी 300 होनी चाहिए। रिसाइज पे आए अपन, पिक्सल्स पे क्लिक किया, हॉरिजॉन्टली अपन 300 कर देंगे और ये आपकी 90 होनी चाहिए। ये हो गई, इसको भी अपन सेव एज़ कर लें, दूसरी बनानी है मुझे। तो अपन लगाते हैं अब फोटो। ये रही अपनी फ़ोटो, ये रहा अपना साइन। सबमिट कर देते हैं फटाफट। ये मेरी दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। अब उनको एकेडमिक डिटेल भरनी है, मतलब अपने 10th वगैरह 12th वगैरह की डिटेल सब इसमें आएगी। दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें मुझे टिक लगाना है, जो जो क्वालिफिकेशन मेरे पास हैं और जितनी इसमें मांगी गई है मिनिमम क्वालिफिकेशन, उस पर तो आपको कम से कम टिक लगा ही देना है। नहीं तो आप सोचो मैं 10th ही करके फॉर्म भर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे ग्रेजुएशन किसी फॉर्म में मांगी गई है, किसी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है तो आपको ग्रेजुएशन तक टिक लगाना है, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगी गई है तो उस पर भी टिक लगाना है। और अदर जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको, जैसे डिप्लोमा वगैरह जो होता है उसके लिए आपको दे रखा है वो अलग से ऑप्शन, तो अपन इसको भी टिक लगा देते हैं। यहाँ पर मैं कंप्यूटर डिप्लोमा लगा सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मुझे अपनी 10th की डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा, कब आपने पास किया, ये रोल नंबर है। यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी और बोर्ड सेलेक्ट करने में आपके पास, अगर आप पंजाब के नहीं हैं तो यहाँ पर एनी अदर बोर्ड का भी ऑप्शन दे रखा है, तो इस पर क्लिक करके आपको अपनी बोर्ड का नाम लिखना है और साथ में मैट्रिक, मतलब 10th है आपके पास। उसके बाद रेगुलर है कि प्राइवेट, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें से आप जो अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, मतलब कितने नंबर आपके आए हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स परसेंट अपने आप आ जाएगी, जो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी डिटेल अपनी भर के कैप्चर डाल के सबमिट कर दें आप। तो डिटेल ये मैंने अपनी भर दी है और प्रोसीड पर क्लिक भी कर दिया है। अब मेरे पास ये डिटेल आ गई है चेक करने के लिए, मैं इसको चेक कर सकता हूँ अपनी डिटेल पूरी। अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक कर देते हैं, नहीं तो फिर लॉक कर देते हैं। ये मेरा फॉर्म फिल हो चुका है, बस मुझे पोस्ट के लिए अप्लाई करना है अब। तो दोस्तों अभी तक जो हो रहा था वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन फॉर्म के लिए अप्लाई होना, पोस्ट के लिए अप्लाई होना वो अब शुरू हुआ है। तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर खुल के आ गई है। जो रजिस्ट्रेशन वो हो रहा था आपको, अगर अगली बार कभी वैकेंसीज में फॉर्म भरना है जो कि अगर पंजाब कोऑपरेटिव बैंक से आए, तो आपको अपनी ईमेल आईडी और पासपोर्ट से डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है और फॉर्म आपका डायरेक्ट खुल के आ जाएगा। आपको सिर्फ पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, पूरी झंझट दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सब में ही रहता है आजकल। और अब ये पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है, तो अब अपन को इसमें चुनना है पोस्ट का नाम। तो पोस्ट के नाम में जितनी भी पोस्टें दे रखी हैं, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि पहले ही मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी मैंने चेक किया है। जैसे कि क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है। तो इन पोस्टों में आपको 10th में पंजाबी होना कंपलसरी है, तभी आप इन पर अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है उसमें आपके पास 10th में पंजाबी होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर भरना चाहते हैं फार्म, तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं तक वीडियो देख के जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यहीं पर आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो आगे देखिए। यहाँ पर सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होगी, जो तो मुझे लग रहा है आधे ज़्यादा लोगों के पास होगा नहीं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपकी डिटेल डालिए, ग्रेड पे डालिए जो पहले मिलती थी, कब तक आपने काम किया है, यहाँ पर पूरी डिटेल भर दीजिए। फॉर्म पे से यहाँ पर आपकी लिख के आ गई है, डिक्लेरेशन पर टिक लगाइए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अब सीधी फीस कटेगी और आपका हिसाब किताब हो जाएगा। लॉक एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए पेमेंट के लिए। अगर आपका फॉर्म करेक्ट है, चेक कर सकते हैं आप इस फॉर्म को यहाँ पर। इसके बाद आप कोई चेक नहीं कर पाएंगे, जो कुछ होगा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपके 1400 चले जाएंगे।
तो दोस्तों ये थी फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस में कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई दूसरी वैकेंसीज की डिटेल्स की आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके ज़्यादातर सभी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आगे आने वाली नौकरी की अपडेट्स को देखने के लिए। तो भैया फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।